हिंदू आस्था पर आई बात तो पूरी रात नहीं सोया गुजरात का दूसरा योगी। फिर योगी स्टाइल में चुन चुन कर मुस्लिम पत्थरबाजों से लिया ऐसा बदला, पहले भेजा जेल, फिर घर पर चला दिया बाबा का बुलडोजर। कौन है गुजरात का वो दूसरा योगी हर्ष सांघवी, जिसने यूपी की तरह लिया गुजरात में पत्थरबाजों से 8 घंटे में इंतकाम। गुजरात के योगी ने सुबह की पहली किरण निकलने से पहले अपराधियों से बदला लेने का किया था वादा, फिर ऐसा लिया एक्शन, तोड़ दिया वो हाथ जिस हाथ से चले थे पत्थर। बदला हो तो ऐसा, वरना ना हो। योगी स्टाइल में ऐसा बदला गुजरात में लिया जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा मुमकिन हो गया। सूरत में पत्थरबाजी करके दंगे फैलाने की साजिश को पुलिस ने फेल कर दिया और पत्थरबाजों का ढंग से इलाज किया गया है। सूरत में रविवार रात गणेश पंडाल पर मुसलमानों द्वारा पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद सारे पत्थरबाज गलियों में गायब हो गए। लेकिन पुलिस ने भी तय कर लिया था कि एक एक पत्थरबाज को पकड़कर उनका ढंग से इलाज किया जाएगा। फिर पुलिस ने पहले घरों से पत्थरबाजों को पकड़ पकड़ कर निकाला और फिर उनका ऐसा इलाज किया कि जो रात में पत्थर चला रहे थे वो सुबह लंगड़ाते हुए चल रहे थे। गुजरात के गृह मंत्री, यानी कि जिन्हें गुजरात का योगी कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पर पत्थर फेंकने वाले और उन्हें बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो रात में कूद कूद कर पत्थर चला रहे थे, सुबह होते होते पैरों पर चल भी नहीं पा रहे थे। जो रात में पुलिस से टकरा रहे थे, सुबह होते होते लंगड़ा रहे थे। जो रात में तोड़फोड़ मचा रहे थे, सुबह होते होते उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। रात में गणेश उत्सव पंडाल पर पत्थर चलाने वालों और उन्हें उकसाने वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि सूरज की पहली किरण के साथ उनकी ये हालत हो जाएगी। गुजरात के गृह मंत्री ने जो कहा वो करके भी दिखा दिया। गुजरात के योगी उनकी ऐसी हालत कर देंगे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई, बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, मुस्लिम समाज के लोग भी वहां पहुंचे, पत्थरबाजी की गई, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, हमने मामले को नियंत्रित किया और अब तक 30 से ज्यादा आरोपियों को डिटेन किया गया है। गणेश उत्सव पर पत्थरबाजी करने वालों ने सोचा होगा कि वो पत्थरबाजी करके गायब हो जाएंगे और कोई पहचान भी नहीं पाएगा, लेकिन एक एक को चुन चुन कर उनके घरों से निकाला गया, जहां दुबके थे वहां से निकाला गया और उसके बाद ऐसी सुताई की गई, ऐसी कुटाई की गई कि लंगड़ाते हुए दिख रहे थे। सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी, जिसमें नाबालिग लड़कों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया था। खुलासा हुआ है कि गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले नाबालिग 1 किलोमीटर दूर से आए थे। इन नाबालिग लड़कों को पत्थरबाजी करने के लिए समझा बुझाकर भेजा गया था। पत्थरबाजी करने वाले नाबालिगों की उम्र महज 12 से 13 के आसपास है। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले नाबालिगों को तो पकड़ा ही है, उनको पत्थर थमाने वालों का भी रात में ही ऐसा पक्का इलाज कर दिया कि अब उनमें से कोई तो पत्थर चलाना तो दूर, हाथ में पकड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा।